दोस्तों, पांडवों की माता कुंती का जन्म एक यदुवंशी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सूरसेन था। वासुदेव जी, जिन्होंने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था, वह कुंती के छोटे भाई थे। कुंती का जन्म होने पर उनके माता पिता ने उनका नाम प्रथा रखा था, परंतु कुंती के पिता सूरसेन ने एक बार अग्नि के सामने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह अपनी पहली संतान अपनी बुआ के संतानहीन बेटे कुंती भोज को देंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री प्रथा को कुंती भोज को गोद दे दिया था और इसी कारण प्रथा का नाम कुंती भी पड़ गया था। एक समय की बात है, जब कुंती छोटी ही थी, तब दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कुंती भोज के यहाँ आ गए। कहते हैं दुर्वासा ऋषि बड़े ही क्रोधी स्वभाव के थे। अगर उनके आदर सत्कार में कोई थोड़ी भी कमी कर देता था तो वह उन्हें तुरंत श्राप दे देते थे। इसीलिए राजा कुंती भोज के साथ मिलकर उनकी पुत्री कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की। कुंती के सेवा भाव से दुर्वासा ऋषि बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने कुंती को एक अच्छा सा वरदान देने के लिए कुंती का पूरा भविष्य अपने योग बल से देख डाला, जिससे उन्हें यह पता चला कि कुंती भविष्य में अपने पति द्वारा कभी मां नहीं बन पाएगी। इस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया और कुंती से कहा कि तुम इस मंत्र को पढ़कर जिस भी देवता को याद करोगी, वह देवता तुम्हारे सामने आ जाएगा और उस देवता की कृपा से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। दोस्तों, कुंती उस समय नासमझ थी। वह यह नहीं जान पाई कि दुर्वासा ऋषि जैसे महान ऋषि ने उसे यह मंत्र भविष्य के कष्टों को दूर करने के लिए दिया है। इसीलिए उस मंत्र को लेकर उस नासमझ कुंती के मन में एक तरह की उत्सुकता सी होने लगी थी। इसलिए एक दिन उसने सभी से छुपकर उस मंत्र से आसमान में चमक रहे भगवान सूर्य को याद किया तो उस मंत्र के प्रभाव से सूर्य देव को कुंती के पास आना पड़ा और उस मंत्र के प्रभाव के कारण ही कुंती को पुत्र देने के लिए उन्हें गर्भवती भी करना पड़ा, जिसकी वजह से कुंती को उस उम्र में ही एक बालक को जन्म देना पड़ा। परंतु समाज के भय और कलंक के चलते कुंती ने उस बालक को सभी से छिपाकर गंगा नदी में बहा दिया था। कुंती का यह बालक गंगा नदी में बहते हुए अधीरथ नाम के एक सारथी को मिल गया था। आप सभी लोग यह तो जानते ही हैं कि यही बालक बड़ा होकर महावीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को यह भी मालूम ही होगा कि जब कुंती युवा हुई तब उनके विवाह के लिए कुंती भोज ने स्वयंवर की घोषणा कर दी थी। तब अपने उस स्वयंवर में कुंती ने कुरुवंश के राजा पांडु को वरमाला पहनाकर अपने पति के रूप में चुन लिया था। कुंती से विवाह होने के बाद राजा पांडु ने मद्र राज्य के राजा शल्य की बहन माद्री से एक और विवाह किया था। इस तरह राजा पांडु की दो रानियां हो गई थी, कुंती और माद्री। दोस्तों, राजा पांडु को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। इसी कारण एक दिन वह अपनी दोनों पत्नियों को लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए थे और काफी दिनों तक वह जंगल में शिकार खेलते रहे थे। एक दिन शिकार के समय राजा पांडु को एक हिरन और हिरनी मैथुन करते हुए दिखाई पड़ते हैं तो वह अपने बाणों से उन दोनों का शिकार कर लेते हैं। परंतु वह हिरन और हिरनी वास्तव में किंदम ऋषि और उनकी पत्नी थी, जो अपने तपोबल से हिरन और हिरनी बनकर आनंद ले रहे थे। इसलिए मरते हुए किंदम ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि मुझे हिरन के रूप में मारते हुए तुम्हें ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, परंतु तुमने मुझे जिस अवस्था में मारा है उसी अवस्था में, यानी जब तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे होंगे तो उसी सहवास के दौरान तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और मेरी पत्नी की तरह तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ सती हो जाएगी। यह श्राप देकर
किंदम ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए थे। किंदम ऋषि के ऐसे श्राप के बाद राजा पांडु ने यह निश्चय किया कि वह जंगल में ही रहेंगे और सन्यासी जीवन का पालन करेंगे। उन्होंने ये श्राप की घटना अपनी दोनों पत्नियों को बताई और दोनों से विनती की कि वह वापस हस्तिनापुर चली जाएं। परंतु उनकी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और दोनों पत्नियां अपनी काम भावना को त्याग कर अपने पति के साथ सन्यासी बनकर उसी जंगल में तप करने लगी और अपने साथ आए सैनिकों को राजसी वस्त्रों और आभूषणों को वापस देकर हस्तिनापुर भेज दिया। दोस्तों, राजा पांडु के इस तरह से सन्यासी होने के कारण ही उनके नेत्रहीन बड़े भाई धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया था। वन में तप करते हुए राजा पांडु को एक दिन यह ख्याल आया कि संतानहीन मनुष्य के लिए तो स्वर्ग का द्वार ही बंद रहता है। यह ख्याल आने पर वह बड़े ही व्याकुल रहने लगे क्योंकि वह अपनी दोनों पत्नियों से संतान तो पैदा ही नहीं कर सकते थे। राजा पांडु की इस परेशानी की बात जब दोनों पत्नियों को पता चली तब कुंती को ख्याल आया कि भविष्य की इसी मुसीबत के लिए दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वह मंत्र दिया था। तब उन्होंने अपने पति राजा पांडु को उस मंत्र के बारे में बता दिया था। कुंती की यह बात सुनकर राजा पांडु बहुत खुश हुए और उन्होंने कुंती से 3 पुत्रों की मांग करते हुए यह कहा कि मुझे 1 धर्मात्मा, 1 महाबलवान और 1 इंद्र जैसा पराक्रमी पुत्र दो। तब अपने पति की इच्छा से कुंती ने एक एक करके धर्मराज, वायुदेव और इंद्र का आह्वान किया और एक एक साल के अंतर में 3 साल के भीतर महाराज पांडु को युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी पुत्र प्रदान किए। इन 3 पुत्रों को पाकर महाराज पांडु बहुत ही खुश रहने लगे थे। परंतु तभी उनका ख्याल अपनी दूसरी पत्नी माद्री पर गया जिसे कुंती की तरह माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। तब उन्होंने कुंती से विनती की कि वह अपने मंत्रों की शक्ति से माद्री के गर्भ से भी पुत्र उत्पन्न कराने का पुण्य काम करें। पति की बात सुनकर कुंती ने माद्री से कहा कि तुम अपने मन में किसी भी देवता का स्मरण करो। तब माद्री ने अश्वनी कुमारों का स्मरण किया। मंत्र शक्ति से अश्वनी कुमारों द्वारा जुड़वा बच्चों नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। 5 बच्चों के जन्म के बाद राजा पांडु बड़े ही प्रसन्न और निश्चित रहने लगे थे। इसी कारण एक बार बसंत ऋतु में जब महाराज पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ फूलों से भरे उपवन में घूम रहे थे तो ऐसे वातावरण में महाराज पांडु के शरीर में काम वासना का संचार हो गया था और वे माद्री के बहुत समझाने और मना करने के बावजूद काम में अंधे होकर माद्री के साथ जबरन मैथुन करने लगे और तभी ऋषि के श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए राजा पांडु की पत्नी माद्री अपने पति की चिता के साथ ही सती हो गई और महारानी कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर वापस हस्तिनापुर आ गई थी।